तो भाई और स्वागत है आज की एक और ब्रांड न्यू वीडियो। तो भाई साहब, इस वीडियो में मैं आपको बताने पहले ही बता दूं कि आज कोई अपडेट नहीं, कोई डायमंड नहीं, कोई कुछ भी नहीं। आज हम बात करेंगे बड़े बड़े यूट्यूबर्स के स्कैम के बारे में जो हमारे छोटे बच्चों के साथ हो रहे हैं। मैंने जैसे आज यूट्यूब खोला, 5-10 वीडियो सामने आती है कि इस बच्चे ने सुसाइड कर लिया, उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया, इस बच्चे ने मर्डर कर दिया। तो भाई साहब, एक केस तो मुझे बहुत बुरा लगा देख के कि एक 9 साल का बच्चा अपनी माँ बाप को मार रहा है, फिर ओनली एक गेम के लिए जो गेम आगे जाके बैन होने वाला है। तो यार, ऐसे काम करने की वजह से ही हमारा फ्री फायर नामक एक गेम बैन होने वाला है। यार, ये ऐसे टट्टे कहाँ से आते हैं? इन्हें मैं टट्टे क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये सुसाइड केस, ये सब इतनी छोटी उम्र में करे जा रहे हैं और हम इतने बड़े होके भी ऐसे सोचते नहीं है। ये हो क्या रहा है? आजकल की यूथ पूरी ख़राब हो चुकी है हमारी। तो चलो, मैं आपको थोड़े बहुत आज केसेस भी दिखाऊंगा और मर्डर केस। और एक हमारे जो गरीब भाई नाम के एक यूट्यूबर है, उनके साथ उनको मारने की कोशिश की गई। उनके आपको देखोगे तो आपको भी ऐसे लग जाएगा कि भाई यार, ये तो बहुत बुरा किया गया। तो इस वीडियो को एंड तक देख रहे हैं। आज तुम्हारा भाई इन सब की हालत टाइट करके जाएगा। बहुत दिन हो गए आराम से उड़ रहे हैं। तो पहले मैं बता दूँ, मर्डर केस हो क्यों रहे हैं। इन मर्डर केस में सबसे ज़्यादा हाथ है हमारे लोकेश गेमर, डायलैंड प्रोस, एस गेमिंग, इन सब का हाथ है। क्योंकि ये सब इतने डायमंड दिखा देते हैं बच्चों को, इन्हें पता है कि 90% ऑडियंस फ्री फायर की बच्चे हैं जो 9-10 साल के, तो उन्हें इतने सारे डायमंड दिखा देते कि ये डायमंड के पीछे पागल हो जाते। ये सोच लेते ये तो असल में ही कुछ ना कुछ है। तो यार, ये हो क्या रहा है? आजकल की यूथ को क्यों ख़राब कर रहे हो? हमें पता है आप इन्फ्लुएंसर्स हो, बट ये हो क्या रहा है यार? ये मेरे को बहुत बुरा लगा कि इन्फ्लुएंस होके आप डायमंड के लिए बच्चों को ऐसे ही डरा रहे हो। और कुछ और भी केसेस आ रहे हैं क्या? और क्या क्या बच्चे सुसाइड कर रहे हैं? कोई है ना, डायमंड के नाम पे उनसे उनके आईडी पासवर्ड ले लेता है, फिर वो आईडी पासवर्ड ना मिलने पे टेंशन में आके सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। तो यार, ये क्या है? तो चलो, अभी हम पहले हमारे गरीब भाई की वीडियो बताते हैं आपको और इनके बारे में बात करते हैं, इनके साथ हुआ क्या था। तो चलो, अभी आप देखो आप इनकी वीडियो, फिर हम उनको बजाते हैं। वादा, एक बंदा मेरे पास आया था, मेरा इधर, मैं जिधर रेंट पे रहता हूँ, पता नहीं उसको मेरा एड्रेस कहाँ से मिला है। तो वो आके गरीब भाई बिग फैन ऐसा ऐसा बोला। तो मेरा रूम मालिक जो है वो अभी कोविड के टाइम पे इधर किसी को अलाउ नहीं करता है, तो उसने वो मेरे को थोड़ा गाली वाली बोलता है। तो मैं उसको बोला भाई ऐसा मत आया करो। तो बोलते नहीं भाई, मेरे को जर्सी वाला इवेंट निकाल के दे दो। तो मैंने उसको मना वना करके उसको इधर से हटा दिया, मतलब बोला भाई इधर मत आओ प्लीज़, ऐसा ऐसा बोल के उसको रिक्वेस्ट करके उसको इधर हटा दिया। आज जब मैं मार्केट से आ रहा था गाइस, तो रास्ते में वही बंदा मिला मेरे को। अरे गरीब भाई बिग फैन बोला उसने। तो मैं रुका, रुकने की बात बोल रहा है कि नया जो बुरा वाला इवेंट आया है वो उसको निकाल के दो। मैं बोला यार ऐसे कैसे निकाल के दे दो यार, आप इधर रास्ते से मेरे को ऐसे क्या, मतलब रास्ते में अटका के मेरे को क्यों बोल रहे हो कि निकाल के दे दो, ये वो यार, ये सब नहीं, मतलब मत लो। तो उसके साथ और एक बच्चा था यार, दोनों ने देखो पूरा अटैक कर दिया मेरा ऊपर। मेरा गले का हाल देखो, पूरा देखो गले का हाल। और मेरा जो शर्ट मैंने आके पहना है, मेरा जो शर्ट था पूरा फाड़ दिया इन लोगों ने, क्या देख दो गले का हालत। मतलब डायमंड दिखा के यार, यूट्यूबर लोग हो, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब बच्चों किसी का जान लेने में भी आ गए, देख रहे हो, ये देखो हाथ। अभी कल एक बच्चे का वीडियो मिलकर वो हम लोग देख के, देखो आज मेरा ऊपर वो रियलिटी में हो गया, गला एकदम पूरा फाड़ दिया। मेरा जो शर्ट था ये टी शर्ट आके पहना, मेरा जो शर्ट था एकदम पूरा फाड़ दिया इन लोगों ने, और मेरा ऊपर अटैक करके बाद में दोनों भाग गए इधर खाली एक जगह पे अटैक करके। अब मैं क्या ही बोलूंगा इस। तो भाइयों, वो था कुछ 12 साल का बच्चा और उसके साथ था एक 16 साल का बच्चा। अगर रास्ते में मुझे वो 12 साल का बच्चा मिल गया ना, कसम इतना मारूंगा वहीं पे, इतना मारूंगा डायमंड क्या, वो तो फ्री फायर खेलना ही भूल जाएगा। फिर सेकंड बात कि यार, ये कहाँ पे हमला किया? तुम दूसरी जगह करते हाथ वात पे, चलता गले पे हमला किया और नक कितना अंदर तक डाला है उन्होंने। देखो भाई, ये मेरे को रास्ते में मिल जाए ना, कसम इतना मारूंगा उधर, इतना मारूंगा, गरीब भाई का पूरा बदला लेके रहूंगा। यार ये हो क्या रहा है अभी कि हमारे सारे बच्चे पागल हो गए फ्री फायर के ऊपर? यार ये फ्री फायर कैसा कैसा गेम है? गेम तो चलो है, पर ये स्कैम्स गरीना की वजह से हो रहा है ये सब, जो स्कैम कर रही है इतना ज़्यादा। अगर इतने ज़्यादा स्कैम ना किए होते तो वो होता ही नहीं ऐसे। यार ये इतने स्कैम्स क्यों करती है गरीना, मुझे पता नहीं चलता यार। या इन गरीना वालों को आप जितना डायमंड फूकोगे वो इतना ही आपकी स्कैम करेंगे आपके साथ। तो यार आप तो फूकते रहो, मेरा क्या जाता है? मैं अपनी मर्जी से जी रहा हूँ, मैं तो बस आपके लिए इतना गरीना के खिलाफ बोल रहा हूँ, वरना मैं भी तो पार्टनर प्रोग्राम में जाके बैठ जाऊँ, मेरा क्या? मैं भी तो एक यूट्यूबर हूँ, मैं भी जाके बैठ जाऊँगा पार्टनर प्रोग्राम में और आपकी सुनूंगा ही नहीं। बट ऐसे बहुत कम यूट्यूबर्स हैं जो आपके बारे में सोचते हैं, इसलिए उन्हें ही सपोर्ट करो गाइस। तो अभी हम अगले बच्चे के बारे में बात करते हैं, जिसका मर्डर हो चुका है, उसके दोस्त ने उसे मारा है। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, बच्चा बहुत छोटा सा है बट
उसके साथ ऐसा हो चुका है, मुझे भी बहुत बुरा लगा, पर आप अभी देखो इन केसेस में इन्हीं की गलती है, बच्चों की उधार ले लेते हैं फिर उधार नहीं चुका पाते, घर वाले डांटते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं, ये क्या बात हुई। अगर आपको उधार लेने की क्षमता नहीं है तो आप लेते क्यों, और लेते हो तो चुकाने का दम रखो, दम ही नहीं रखते और फिर बोलते हो मम्मी पापा वो हो गया यार, ये हो क्या रहा है। अभी अभी की यूथ पूरी ख़राब हो चुकी है। अब मैं यही बोलूँगा कि आजकल की यूथ तो जा चुकी है, आजकल की यूथ में कुछ रहा ही नहीं है। जो पहले बोलते थे ना मेरा बच्चा ऐसा मेरा बच्चा ऐसा, उन्हें पूछो आपके बच्चे को काका की आता है कुछ। अभी चलो मैं आपको वो बच्चों की फ़ोटोज़ दिखाता हूँ जिन जिन ने सुसाइड किया है, फिर हम उनके बारे में बात करते हैं। चलो तो भाइयों इस फोटो में आप देख सकते हो एक माँ रो रही है और अपने बच्चे के लिए वो मर चुका है। अभी उसकी सारी गलती उसी की थी। पहले है ना फ्री फायर के ऊपर इतना पागल हो गया था, पैसे लगा लगा के अपने दोस्त से उधार लिया, फिर जाकर सुसाइड कर लिया। अब ये दूसरा बच्चा है जिसने फ्री फायर के लिए ही सुसाइड कर लिया। यार ये हो क्या रहा है, हमारी यूथ पूरी ख़राब हो रही है आगे जाके। तो बच्चों लोगों आप ऐसा ना करें, ऐसे बच्चों को आप दिखे तो मारो वहीं पे, अपने मम्मी पापा जो भी मेरे बड़े वीडियो देख रहे हैं आपका बच्चा ऐसा करता है पीट डालो। तो भाई साहब ऐसे अगर हमारी यूथ जाती रही तो ये होगा क्या। और इनका एक बहुत बड़ा है कि जो जो बड़े यूट्यूबर्स दिखाते हैं ना, इतने डायमंड फूंक दिए, इतने डायमंड मैंने उस चीज़ पे लगा दी, उसी की वजह से हो रहा है। सारे टट्टे हैं पार्टनर प्रोग्राम पे, और पार्टनर प्रोग्राम पे उन्हें मिलते हैं 50-50 हज़ार डायमंड। तो यार हमारे लोकेश गेमर भैया को तो मिलते हैं 80 हज़ार डायमंड। चलो देख लो यार इतने डायमंड वो अगर यूट्यूब का बताते अपने वीडियो में, तो हम जैसे बच्चों को लगे, हम जैसे आदमियों जो पार्टनर प्रोग्राम में नहीं, उन्हें तो लगेगा ना कि यार ये क्या यार इनके पास इतने डायमंड, चलो मैं भी डायमंड खरीदता हूँ। तो मैं भी डायमंड खरीदता हूँ, फिर उनके जैसे छोटे बच्चे अभी जाके डायमंड वगैरह खरीदते मांगते अपने बच्चों से पापा से कि पापा पैसे दे दो, बट पापा बोलेंगे ना कि फालतू गेम में क्यों उड़ा रहा है पैसे, गेम में उड़ाने से क्या तेरे को नोबेल अवार्ड मिल रहा है, ऐसे मुझे मिल गए ना तो मैं उन्हें दे दूंगा नोबेल अवार्ड भैया, जो भी अवार्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दे दूंगा सुसाइड करने का। यार ये क्या है, हो रहा क्या है। तो चलो यार इस वीडियो में मैंने इतना सब तो आपको बता दिया, बट इस वीडियो को छोड़ो मत। अभी हम बताएंगे हमारे एएस गेमिंग के बारे में, जो कर देते हैं क्लिकबेट अपनी वीडियो में और दिखा देते हैं 50-50 मिलियन डायमंड्स, जिसे देखने के बाद बच्चे हो जाते हैं पागल डायमंड के पीछे। और फिर हमारे लोकेश भाई जो हर स्ट्रीम में 50-50 हज़ार डायमंड के गिव अवे करते हैं। तो भाई हर कोई आपकी तरह रईस बाप की औलाद नहीं है, तो यार ये थोड़ा ध्यान रखो, थोड़ा कम दिखाओ डायमंड। डायमंड दिखाते हो तो आपको पता ही है हमारी इंडिया की ऑडियंस 90% छोटी ऑडियंस है, जो बड़ी नहीं है और मैच्योर नहीं है। तो आप ऐसे क्यों कर रहे हो, बड़ी ऑडियंस को दिखाते हो तो चलता है, उन्हें भी पता चल जाएगा कि फालतू में पैसे नहीं उड़ाने चाहिए। हमारी अभी इंडिया की ऑडियंस छोटी है, तो यार ये हो क्या रहा है। तो भाइयों ये मेरे को लगता है इस वीडियो में बहुत ज़्यादा बोल गया, बट यार अभी बोलना ही पड़ा, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है कल से, जब से मेरे को ये पता चला है कि जे कैरेक्टर भी हमें नहीं मिला। बट अभी देखते हैं क्या क्या हो रहा है। तो चलो अभी इस वीडियो को मेरे को लगता है यहीं पे एंड करना पड़ेगा, तो चलो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। और ऐसे आप बच्चों को दिखे तो उन्हें मारो गाइस। तो यार मेरे को गरीब भाई के लिए बहुत बुरा लगा जिनके साथ ऐसा हुआ है। तो चलो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, मेरे यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। तो भाई यार ये मेरे को बहुत बुरा लगा, बट चलो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।